एनिमल वर्ड सुन के आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ऑफ कोर्स मे बी जानवर जो पहला थॉट आता है हमारे दिमाग में, दूसरा जंगल। तो भैया कुछ ऐसा ही मतलब सीन था हम लोगों के साथ जब एनिमल नाम की एक मूवी का पोस्टर हमारे सामने रिलीज किया गया, वो भी एक ऐसे हीरो के साथ जो जिसको हमेशा हमने एक चॉकलेट बॉय के रूप में देखा है, एक काफ़ी स्वीट सा, क्यूट सा, फन लविंग सा लड़का, उसको एकदम से कबीर सिंह या फिर रॉकी वाला लुक दे दिया गया। एंड ऐसा ही एक पोस्टर हमारे सामने आया जिसको देख के सब कोई शौक में था, एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, और इसी एक्साइटमेंट को उड़ान दे दी रणबीर कपूर के बर्थडे पे। जी हाँ, एनिमल का टीजर रिलीज कर दिया गया 28 सितंबर 2023 को, एंड सबके एक्साइटमेंट का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था, और इस टीजर को देखने के बाद तो नेक्स्ट लेवल के पारी चला गया है। हम सबको पता है बॉलीवुड में एक जंग छिड़ी हुई है, और दूसरी तरफ जहाँ एनिमल ने इतना ज़्यादा तबाही ऑलरेडी मचा चुकी थी, तो गणपत मूवी के साथ आ चुके हैं हमारे टाइगर श्रॉफ। तो और एक टाइगर ऑलरेडी आ रहा है जो सलमान खान सर है, उनकी टाइगर 3 आ रही है, और एक टाइगर और आ गया गणपत मूवी में। असल में दोनों एनिमल पे भी और गणपत मूवी के टीजर पे ही बात होने वाली है, तो स्टे ट्यून। एंड हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो गाइज, मैं रीना खत्री आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शेयर और रिएक्शन एक बार फिर से। तो भाई 28 सितंबर 2023 को एनिमल का टीजर रिलीज कर दिया गया, एंड कुछ पत्ते हमारे सामने रखे गए उस मूवी के, एंड थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन का आइडिया दिया गया हमें। अभी तक हम लोग इसी डाउट में थे कि इस मूवी में होने क्या वाला है, क्या कंसेप्ट रखेंगे, कैसे क्या स्टोरी होने वाली है, और इसमें एनिमल नाम क्यों रखा। सबसे बड़ी मिस्ट्री यही थी कि इस मूवी का नाम एनिमल है तो है क्यों। तो भाई इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक था, एनिमल जानवर इंसान जब भी बन जाता है जब उसके इमोशंस की कदर ना की जाए, एंड कहा जाए तो एक शारीरिक तौर पे या फिर इमोशनली तौर पे उसका शोषण किया जाए, तो ऐसी चीज़ें क्या करती है, बच्चे के अंदर से इमोशंस ख़त्म कर देती है। तो ये मूवी एक कुछ इसी प्रकार की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें अनिल कपूर रणवीर कपूर सर के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड काफ़ी हार्श रूप में देखा है हमने अनिल कपूर को इस मूवी में। जैसे कि टीजर की शुरुआत होती है, हम रणवीर सर को रश्मिका मैम के साथ देखते हैं, एंड काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे वो लोग वॉक कर रहे थे एंड कुछ बातें कर रहे थे। अब उसी दौरान रश्मिका जी ने कुछ ऐसा कह दिया कि फ्लैशबैक्स आ गए, मतलब एक सडनली से वो सीन आ गया जिसके बारे में बात कर रही थी कि अनिल कपूर सर ने बहुत ज़्यादा 3-4 थप्पड़ लगाए रणवीर सर को, एंड वो काफ़ी हार्श था। आई मीन जिस तरीके से वो एकदम से आ गया आया था ना, जब तो मैं डर गई थी एकदम से, जैसे थप्पड़ की आवाज़ आई ना एकदम से, दैट वॉज स्कैरी। एंड एक मतलब इतने बुरे थप्पड़ खाने के बावजूद भी रणवीर सर के मुंह पे एक अलग सी स्माइल थी, तो वो एक चीज़ वहाँ पे मुझे थोड़ी यू नो ऐसी डरावनी सी लगी, क्योंकि वो चीज़ वो कहते हैं ना डीट बना देना, तो वो बेसिकली वही वाला कंसेप्ट होने वाला है इस मूवी का। एंड काफ़ी हार्श रूप में दिखा है, एंड अनिल कपूर सर ने चिल्लाया कि जो थी हमने क्रिमिनल पैदा किया है, एग्जैक्ट यही डायलॉग था उनका। एंड उसके बाद भाई शुरू होता है रियल ट्रेलर, जब रश्मिका जी ने कुछ ऐसी बात कही उनके फादर के बारे में, तो उन्होंने ऑफेंड होते हुए बोला कि यू कांट से लाइक दैट अबाउट माई फादर। तो मतलब बेसिकली उन्होंने अपने फादर के लिए स्टैंड लिया, जो मेरे लिए यू नो थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि जिस तरीके का बिहेव अनिल कपूर सर का इस मूवी में रणवीर कपूर के साथ दिखा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यू नो अच्छे टर्म्स पे तो नहीं लग रहा था, एंड एकदम से ऐसा स्टैंड लेना तो वो थोड़ा यू नो हॉरेबल भी था इस चीज़ का। एंड धमाकेदार यू नो एक्शन देखने को मिला है इस मूवी में। जिनको एक्शन मूवी पसंद है उनकी तो चांदी होने वाली है मुझसे, लेकिन मुझे सिर्फ एक्शन मूवी ही लग रही है ये, इसके अंदर थ्रिल एंड मतलब भरपूर मात्रा में सारी चीजें, रोमांस के तो शायद थोड़ी लैक करेंगी या पता नहीं भाई, वो तो पिटारा है जब खुलेगा तभी पता लगेगा, लेकिन एक अच्छा खासा फैमिली ड्रामा और एक्शन ओरिएंटेड ड्रामा होने वाला है ये तो पक्का है बॉस। एंड मुझे काफी ज्यादा सही लगा टीजर, और ये चीज और भी ज्यादा एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। 1 दिसंबर 2023 को भाई ये मूवी आने वाली है इन थिएटर्स। आई नो यू नो टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 2-3 महीने का
वक्त भी ज्यादा लग रहा है क्योंकि एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ ऐसा है। एंड ये तो कुछ अलग लेते हैं जरा गणपत मूवी के टीजर के बारे में। उसमें टाइगर श्रॉफ के पावर पैक्ड एक्ट देखने के बाद एक अलग ही लेवल की, उसकी भी एक्साइटमेंट बहुत अलग ही लेवल की है। एंड मैंने दीक्षा दीदी की भी वीडियो देखी थी, उन्होंने सही कहा कि कल की मूवी से भी थोड़ी बहुत जैसे कि कल की मूवी का कंसेप्ट है उसी तरीके का शायद कुछ हो सकता है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का भी तड़का इस टीजर के अंदर लगा है। तो वो चीज काफी ज्यादा अलग रहने वाली है क्योंकि एकदम से जैसे कि एक शांत सा इंसान सफेद सी धोती में बैठ के मेडिटेट कर रहा है और पीछे से गनमैन आ जाए उनको ऐसे उठा के पटक दे, तो वही वाली बात है, वही टाइगर सर की बात हो। टाइगर के सर के तो साथ ही नाम जुड़ गया है एक्शन का, टाइगर सर के साथ तो इस तरीके से नाम जुड़ गया है, टाइगर सर के बिना एक्शन नहीं, एक्शन के बिना टाइगर सर नहीं। तो भाई टाइगर सर का कहीं ना कहीं मुझे ड्रॉबैक भी लगता है क्योंकि एक हीरोपंती, देखो मैंने शुरू में जब उनकी फर्स्ट मूवी देखी हीरोपंती, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हिम एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग लगी उनकी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी वो मूवी क्योंकि उसमें एक मतलब फैमिली साइड भी थी और सबको पसंद आएगा। और थिएटर्स तक सही बताओ मूवी वो चलती है जो फैमिली मूवीज हो, और ये सच्चाई है क्योंकि उस चीज़ में ना फैमिली एक तो अपने बच्चों के साथ जाती है, अगर फैमिली सामने जो मूवी चल रही है उससे कनेक्ट नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लैक कर जाती है। एंड आज के वक्त में अगर अच्छे से खासे मतलब अगर कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पे चाहिए तो भाई वो फैमिली मूवी होनी चाहिए, उसमें कुछ होना चाहिए। लेकिन ये बात मैंने बहुत लैक देखी है, फैमिली मूवी तो ऑफकोर्स उनकी होती है लेकिन उसमें एक्शन ही एक्शन इतना कर देते हैं टाइगर श्रॉफ की मूवी में कि वो चीज़ एक लैक लगती है भाई मुझे उनकी जितनी वो, क्योंकि सिर्फ एक्शन से मूवी नहीं चलती, उसमें ना एक स्टोरी थोड़ी मिक्सडअप होती है एंड वो पसंद नहीं आता मुझे। लेकिन आई होप सो तो फॉर द बेस्ट, इस मूवी का टीजर देखने के बाद कुछ नया कुछ यूनिक दिखने को मिलेगा। 2070 की बात हो रही है भाई इस मूवी में, आज फिलहाल की बातें नहीं हो रही है, 2070 में कैसा हो जाएगा ये दुनिया, किस तरीके से चीजें बदल जाएंगी, उन सब चीजों के बारे में दिखाया गया है। उड़ती हुई कार दिखाई गई है इस मूवी में 2070 में, खैर वो तो मुझे पता नहीं 2070 में देखूंगी या नहीं देखूंगी लेकिन ये मूवी तो देखनी बनती है। लेकिन उसमें एक स्पिरिचुअलिटी का भी एंगल है, गणेश जी भी दिखाई दिए हैं टीजर में एंड काफी ज्यादा सही लगा मुझे इसका भी टीजर। तो भाई दो एक्शन मूवीज आ रही हैं एंड देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा। वैसे टाइम पीरियड में मतलब काफी दिन और रात का फर्क है लेकिन क्या करें बॉस, ये बॉलीवुड की जो जंग है ना वो सिर्फ एक या दो मूवी की नहीं है, वो सभी मूवीज की चल रही है एंड जो भी मूवी है सबको सबके साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो अभी दोनों के साथ में टीजर आए तो कहीं ना कहीं दोनों के कलेक्शन पे, दोनों के इंप्रेशन पे और दोनों की मूवीज कि भाई कैसी क्या रहेगी मूवीज, क्योंकि टीजर तो काफी ज्यादा बढ़िया लगा एंड इसमें भी एक्शन काफी भरपूर मात्रा में है गणपत मूवी में। और देखते हैं आई होप सो कि कोई और एंगल भी अच्छे से मतलब जैसे कि सिर्फ ज्यादा फोकस एक्शन पे ही ना हो। VFX से फिलहाल तो सही बताऊं मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि VFX बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, थोड़े बहुत कम है, मतलब उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे होने चाहिए। अगर ऐसी कोई मूवी बना रहे हो तो फिर वही वाली बात है, काम करो तो अच्छे से करो फिर। तो इसमें थोड़ा बहुत लैक ये मुझे लगा, अदरवाइज दोनों मूवी भाई कमाल है एंड अमेजिंग वर्क, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों को कैसा लगे ये टीजर्स और आप लोगों की एक्साइटमेंट का लेवल इस मूवीज़ को देख, इन मूवीज़ के टीजर को देख के कैसे क्या रहा है एंड कैसे क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में एंड इस मूवी के टीजर के बारे में, देन कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ कल एक और धमाकेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज गुड बाय।